नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैनू उम्मीद है कि तुसी सारे ही राजी खुशी होवोंगे ते चढ़दी कला दे विच होवोंगे। सब तो पहला मैं तुहाडा सारयां दा शुक्रिया अदा करना चाहना कि जिहड़ी मेरी पहली वीडियो नूं तुसी इन्ना प्यार दित्ता। इन्नी डिमांड आई कि मैनू दूसरा लैक्चर जिहड़ा बनाउणा ही पिया। कुछ मसरूफियत कारण मैनू टाइम नहीं सी मिलदा पिया। तो चलो आपां अगला लैक्चर जिहड़ा यूनिट टू करन चलने आ। जो कि आपां पंजाबी तो अपनी मादरी जबान तो की सिखांगे आसान तरीके नाल उर्दू। ठीक है, तो एक चीज़ तुहानू पता ही है कि आपां जिहड़ी गुरमुखी पंजाबी है, गुरमुखी दी मैं गल कर रहा, वह आपां हमेशा लैफ्ट टू राइट लिखने हैं। तो जिहड़ी उर्दू है वह आपां हमेशा राइट टू लैफ्ट लिखने हैं। तो मैं कोशिश करना कि तुहानू इधरले पासे तो ही सिखावां, भी तुसी इस साइड तो ही आपां करिए, जो तुहानू आसानी रहेगी बाद दे विच्चों, जो तुसी खुद प्रैक्टिस करोगे इस चीज़ की। तो चलो आपां सब तो पहला जिहड़ा करने आ वो ये है। देखो, एक बेड़ी बनाओ तो उहदे नीचे बिंदी ला दो। इसनों आपां नुक्ता कहने आ। आ जिहड़ी बिंदी है इसनों उर्दू दे विच नुक्ता आखते आ। तो ये जिहड़ी है गुरमुखी दे विच इस ये कि साउंड कढ़दी है, बब्बे दी। ठीक है, इसनों आखते की आ, इसनों आखते हैं बे। ठीक है, इस साउंड कादी कढ़दी है गुरमुखी दे विच, बब्बे दी। ठीक है, तो एक चीज़ आपां देखी सीगी अलफ, हुण अलफ जिहड़ा है वो कादी मतलब कढ़दा है, कन्ने दी। तो हुण जे आपां बा लिखना है, इसनों आपां किद्दां लिखांगे? देखो, साउंड बा दी कढ़नी है, बब्बा प्लस अलफ, एक आधी आवाज़ कड्डेगा बा दी। देखो ध्यान ना, वेखो ये जेड़ा इहदे नाले जुड़ जाता है, तो एक आधी आवाज़ कड्डेगा बा दी। ध्यान ना वेखो तुसी इस चीज़ नू, ये मैं पहला बब्बा लिखिया, फिर नाल कन्ना पाया, तो नाल आपां इस नू बा दी साउंड कड्डण लई इहनू जॉइन कर दिता। ठीक है, तो एक चीज़ तुहानू जे नहीं याद हो रहा, बे नहीं याद हो रहा, अलफ नहीं याद हो रहा, इहनू तुसी पंजाबी दे हवाले तो पंजाबी दे लिहाज नाल याद कर सकते हो। मैं इसनू बब्बा ही आखदा वां, तो इसनू कन्ना ही आखदा, तो जदों इह ऐड़े दा काम करदा तो इहनू ऐड़ा ही आखदा। तो हुण वेखो आपां इसदी इक एग्जाम्पल वेखने आ। हुण मान लो आपां लिखना है बाबा, इहनू आपां किद्दां लिखांगे? बा बा। ठीक है, एक आपां कीता सीगा दाल, पुट्ठी सी कीती सीगी आपां। ठीक है, हुण जे आपां लिखना होवे बाद, आपां कहिंदे ना बाद चावी, इस नूं आपां किद्दां लिखांगे? देखो, बब्बा बब्बे नाल कन्ना, ठीक है, दद्दा बाद। फिर आपां कीता सी, हुण तुसी जे लिखना होवे आबाद, आबाद उसनूं तुसी किद्दां लिखोगे? देखो, मैं तुहानूं दस्सिया सीगा ऐड़े नाल कन्ना जदों है उहदे लई आपां वरतदे हां अलफ मद। ठीक है, बब्बे दा मैं तुहानूं दस्सिया है, ते नाल ही इहनूं कन्ने नूं जदों आपां पावांगे ते इह किद्दां बनेगा इद्दां, ते इहदा आपां दद्दा, इह की बन गया तुहाडा? अलफ मद, बब्बे नाल कन्ना ते दद्दा, ये बन गया तुहाडा आबाद। ठीक है, एक आपां मैनूं याद है आपां कीती सी रे, इधर नूं करावां, रे कीती सीगी इक, इसनूं अपना रे रारे दे लिहाज नाल जाणने आपां। हुण जे आपां लिखना होवे बार,
मान लो इस ऊपर लिखना हूँ बार, सॉरी बार बार लिखना आपा, आप कि लिखांगे देखो बब्बे नाल करना इन्ना जेड़ा है किदा लिखा जाएगा बार इरारा बा इरारा रे। ठीक है सेम चीज़ जेड़ी है फिर रिपीट होएगी। हुन आप लिखते हैं बार बार। ठीक है तो एक होर यदि आप एग्जाम्पल देखते हैं, मैं उम्मीद है तुम इस चीज़ को इंजॉय करते होंगे क्योंकि मैं लैक्चर इस तरह प्रिपेयर किए हैं कि तुम एक वीडियो देखो या दूसरी वीडियो देखो तुम मतलब आसान तरीके नाल लैक्चर तो बाद कुछ वर्ड्स जड़े बनाने का मज़ा आए तो तुम बोर ना होवो। तो हूँ आप देखते हैं आप लिखना होवे अब अब का मतलब होंगे हूँ, थोड़ा जा उर्दू दे नाल स्पैलिंग गलत हो सकते पंजाबी दे विच क्योंकि आप उर्दू दी आवाज़ा जेड़ी पंजाबी च कढ़ने पए हैं। ठीक है अब लिखना है तो मैं तुहानू दस्या सीगा अलफ दे उपर की लगती है जबर ते फिर आप बब्बा पूरा पावांगे। ठीक है चलो मैं उम्मीद है कि इतों तक तुहानू समझ आ गया होएगा। ये तुहाडा पेज वन ने लास्ट के जो तो आप इस करा रिवाइज सौखा हो जाएगा। ठीक है तो इस तो अगे आप करते एक देखो आप एक पाने ना डबल्यू ये उ चीज़ है ये डबल्यू जेड़ा है किसी दे हरफ दे उत्ते लग जाए कोई भी हरफ है वो उत्ते लग जाए हरफ की चीज़ है मतलब गोल जेड़ा है वो उपर लग के यह भारी आवाज़ कटदा है इनू आप कहने इनू वैसे तो की कहते उर्दू के बीच तशदीद कहते हैं पर इनू शब्द पंजाबी आखते हैं शब्द यह अद्धक का काम करता है भारी आवाज जिमें आप रब लिखना तो उपर आप अद्धक पाने ना उ चीज़ है। तो आप हूँ लिखने अब्बा अब्बा जान बोलते हैं ना इनू आप किदा लिखांगे देखो ये जेड़ा है अपन पता है कि कादी आवाज़ कढ़नी है एड़े दी। ठीक है तो इस तो बाद प्लस होएगा शब्द प्लस जेड़ा अपना बब्बा बब्बे नाल करना ये जेड़ा ना कल्ला नहीं लगेगा मैं तुहानू दसना है किस तरह इसनू आपां यूज़ करना है। देखो एड़े ने उपर जबर ठीक है ये बब्बा बब्बे नाल करना ये उत्ते शब्द लगेगा इदा जिवें आपां अद्धक पाईए वो चीज़ बनती है। ठीक है मैनू लगता है ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਬੇ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਆਵਾਂਗੇ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨਾ ਰੱਬ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਵੀ ਹੁਣ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਰੂਲਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜ਼ਬਰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਉਹ ਹੈ ਪੱਪੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਸੇਮ ਬੱਬੇ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਲੱਗਣਗੇ ਤੀਜਾ ਨੁਕਤਾ ਤਿੰਨ ਨੁਕਤੇ ਲੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੇਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੱਪੇ ਦੀ ਇਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਪੇ ਉਰਦੂ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਲਿਖਣਾ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੋਰਨੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੇਮ ਇਸੇ ਇਹਨੂੰ ਬੱਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ
पे प्लस अलफ जोड़ांगे तो एक आदि आवाज कटेगा पा दी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए आप लिखना हो वे आप इनू आप हूँ कि लिखांगे अलफ मद। ठीक है, ते पप्पा पे। ठीक है, हूँ आप लिखना हो वे पापा किदा लिखांगे अपा पप्पे नाल करना पप्पे नाल करना पापा। मैं फिर कह रहे हैं कि मैनू आदत पई हुई है, मैं उर्दू वाले नाल नहीं याद किया, मैं इन्हों पंजाबी दे आवाज़ा नाल याद किया हुआ, मैं सौखा रहिंदा है अगे, तो ये हैबिट हो गई है। ठीक है, तो हूँ एक होर आप देख लें, देखो आप लिखना हो पाप, कोशिश करो किदा लिखा जाएगा, टाइम लो थोड़ा जा वीडियो पोज करो, इन्हों आप लिखांगे पाप। ठीक है, उस तो अगला आप जेड़ा हरफ करने हैं, सॉरी पेजेस काफ़ी गंदे आ गए, उस तो अगे आप करने हैं त, तीजा जेड़ा आप करना है वो हैगा है त, देखो किदा लिखते हैं, ये भी इदा जाएगा, ये उत्ते नुक्ते लगन गए हूँ बेड़ी के उत्ते बिंदियां दो लगन गियाँ, तो एक आदि आवाज कड़ेगा साउंड का आदि कटदा है पंजाबी के हवाले नाल तत्ते की आवाज कटदा है। ठीक है, तो इसनों आप आखने ते उर्दू के इसनों आप आखते हैं, तो पंजाबी आप इसनों तत्ते दे लिहाज नाल जानते हैं। ठीक है, तो आप इसनों फिर उवें बब्बे वांगू तो पप्पे वांगू जो अलफ नाल जोड़ांगे ता आवाज़ कढ़न लई ये किदा होएगा, तत्ता प्लस कन्ना अलफ एक बन गया तुहाडा ता। ठीक है, इसनों का आवाज़ कट रहा है, मैं उम्मीद है तो दिख रहा होगा फ्रेम के ही होएगा। ठीक है, ता हूँ इसकी आप एग्जाम्पल देख लीए, मान लो आप लिखना है बात गलबात। ठीक है, हूँ बब्बे नाल करना। ठीक है, ते तत्ता तुहानू सिखाया है हुणे। ठीक है, इनू किदा पावांगे आपां हुण, देखो बब्बे नाल करना ते तत्ता बात। ठीक है, तो हुण आपां देखदे हां बारात, वैसे बारात हुंदा है उर्दू दे विच, ते आपां उर्दू नाल ही देखांगे बारात, करना नहीं पैंदा पंजाबी दे विच, पर आपां बारात देखते हैं, बारात किदा लिखांगे, देखो फिर उही चीज़ बब्बे नाल करना रा, ये करना जेड़ा इच वक्रा जग जुड़ेगा क्योंकि नाल नहीं जुड़ता। ठीक है, ते तुहानू हुणे दस्सिया आप बनाने हैं बारात ठीक है, फिर आप लिखते हैं रात। अगली एग्जाम्पल जेड़ी है रात लिखना है, ये की होएगा तुहाडा रे नाल करना ते तत्ता, थोड़ा पेज हिल गया ते खराब हो गया। ठीक है, आपां पंजाबी च रब बोलते हैं ना, तो उर्दू दे विच रब बोलते हैं, रब मतलब उन्हां दा बोलन दा तरीका इदां दा, ते आपां रब नूं इदा भी लिख सकते। अच्छा, एक ना मैं तुहानू लास्ट के एक चीज़ दसागा,
ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰਸ ਪਾਉਣੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਇਨਪੁੱਟ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਉਹ ਹੈ ਮੰਮੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਣੀ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਆਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਮੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੀਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਰਦੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੀਮ ਆਖਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਮ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਮ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਉਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਪਏਗਾ ਰਾਮ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਰੱਖਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਰ ਪਾਓ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਮੀਮ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਲੈਕਚਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਲਦੀ ਹੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਆਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਣੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਫਿਲਹਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟਸ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ, ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ ਊੜਾ ਐੜਾ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਅਲਫ ਬੇ ਪੇ ਅਤੇ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੋਰੀ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਰਦੂ ਇਹ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਲਿਪੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਲਿਪੀ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਦੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਤੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹਨ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿਖਾਓ ਸਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੇਮ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਵੀ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ DM ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਿਓ। ਆਪਾਂ ਉਰਦੂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਲਿਪੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵਰਗੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਲਿਪੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ। ਔਖਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ, ਪਲੱਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਪਸ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ।